करो, क्या है बताओ। 140 करोड़ के वजीर आजम को क्या ये जेब देता है? ऐसे जुमले कि मुसलमानों को तकसीम करेंगे, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। आप बताओ क्या ये जेब देता है? अरे जो लोग मुझे और असद साहब को भड़काऊ भाईजान बोलते हैं ना, मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये तुम्हारे मोदी साहब का लब वो लहजा, ये अंदाजे बयान, ये अंदाजे गुफ्तगू क्या अच्छी है, क्या सही है? हम घुसपैठी हैं, बच्चे पैदा करने वाले हैं, शाइनिंग इंडिया कौन बोले थे? वाजपेयी, शाइनिंग इंडिया वाजपेयी बोले थे। हां, वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले, वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ, नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, हाँ योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अब वो अमित शाह 1 और उनके 6 बहना वहां भी 7, फिर हम बच्चा पैदा करना। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं, फिर हम बच्चा पैदा करें। वाह, हां अशोक सिंगल, हां नौजवान नहीं जानते अशोक सिंगल को, पुराने लोग जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंगल, उनके वालिदैन को कितने? वहां भी 7, सबको 7 7 7 7। अच्छा है भाई, आरएसएस के सरबरा मोहन भागवत है ना, उनको मिला के उनके कितने भाई बहन? 4। तो ये छोटा परिवार कहां हुआ? हम पैदा करें। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो आते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, ओ पूछो मत, हेमंत बिस्व शर्मा, उनके कितने भाई बहन? उनको मिला के वो भी 7। अब क्या बोलेंगे बोलो, अब बोलो आप। फिर बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। आप बताओ क्या है ये, हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो लाल किले की मजबूत फसील दी है, तो किले गोलकुंडा के मजबूत फसील दी है, तो मक्का मस्जिद दी है, जामा मस्जिद दिया है, तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को 4 मीनार भी दिया है, हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, सवारे हैं, हम घुसपैठी नहीं है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, ये मुल्क हमारा।